अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े से बड़ी अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होती है, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है। अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी ऐसी रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्विस में ही हों। जो अल्पकाल के देह अभिमान की अथॉरिटी वाले होते हैं वो अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा, किसको देखा? झूठ खंड की दुनिया के अंदर सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप किसको देखा? ब्रह्मा प्लस बाप। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं माँ बाप, ऐसे ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा। उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में भी स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। सालो फादर है ना, सेवा में व कर्म में सालो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि तो साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। कौन है? ब्रह्मा बाप। दोनों साकारी दुनिया है तो एग्जाम्पल भी कैसा चाहिए? साकार में एग्जाम्पल चाहिए, सैंपल चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे सालो फादर करने में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। दूसरा फिर जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा।
स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो।